हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज की वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए है जिन भी पेरेंट्स ने अपने बच्चों का फॉर्म 2023 और 24 के सत्र में अभी EWS फीशिप कैटेगरी का भरा था, और उन सभी पेरेंट्स को अपने बच्चे का जो रिज़ल्ट है उस का इंतज़ार है कि उनके बच्चे का नाम आया है या नहीं आया है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि रिज़ल्ट की आपको टेंशन नहीं लेनी है। जिस भी स्कूल में आपके बच्चे का नाम एलोटेड होगा, आपके पास बाकायदा मैसेज आएगा उस नंबर पर जिससे कि आपने अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन किया था। और फिर भी आप अपने बच्चे का रिज़ल्ट देखना चाहते हैं तो मैंने आपको साइट भी बताई थी, और साइट है आपको देखिए गूगल पर जाकर DOE सर्च करना है, और DOE सर्च करते ही आपके पास ये साइट खुलकर आ जाएगी www.edudel.nic.in। इस पर क्लिक करना है आपको, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह का पेज आपके सामने खुलकर आएगा, और ये DOE का होम पेज है। और इसको थोड़ा सा नीचे आप करेंगे तो यहाँ पे देखिए जहाँ आपने एडमिशन के लिए क्लिक किया होगा EWS DG एडमिशन एंड EWS फेलोशिप एडमिशन, इस पर क्लिक करना है आपको। और क्लिक करते ही आपको ये पेज खुलकर सामने आएगा आपके पास, इसे भी ऊपर करिए। और देखिए यहाँ पर दो पॉइंट है, एक है लॉगिन इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, और दूसरा है यहाँ पर EWS DG फ्रीशिप रिज़ल्ट 2023-24। बस रिज़ल्ट के लिए आपको यहीं पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर है, जब आप अपने फॉर्म भरा था तो उस समय आपके बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास मिला होगा, वहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, या फिर जब आप फॉर्म का जो लास्ट पेज होता है उसमें सारी डिटेल्स होती हैं वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर मैंशन करना है। और यहाँ पर बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है वो मेंशन करना है, और मैंडेटरी है ये, अगर इसमें से एक भी आप नहीं फिल करते हैं तो आपका ये सबमिट नहीं होगा। और यहाँ पे कैप्चा कोड है, आप देख सकते हैं इस कैप्चा कोड को आपको बहुत ही सावधानी से यहाँ पर एंटर करना है, और एंटर करते ही यहाँ पर आपने सबमिट करना है। तो इस तरह से आप अपने बच्चे का रिज़ल्ट देखेंगे। बच्चे का यहाँ पर सबमिट करते ही अगर आपके बच्चे का नाम आया होगा तो वहाँ पर शो करेगा, अगर नहीं आया होगा तो वहाँ पर नहीं शो करेगा। और कल जैसे ही रिज़ल्ट आएगा मैं आपको फिर दोबारा से इसमें एक बच्चे का जो रिज़ल्ट है वो मैं देख के बताऊंगी कि उसका नाम आया है या नहीं आया है, ताकि आप अपने बच्चे का देख सकें। अदरवाइज़ आप नहीं देख पा रहे हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जिस भी स्कूल में आपके बच्चे का नाम एलोटेड होगा वहाँ से आपको कॉल भी आएगा, और DOE की तरफ से आपके पास मैसेज भी आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर पे, आपके जो भी नंबर देकर आपने रजिस्ट्रेशन किया था। तो आई होप कि ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।